और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है दंतेवाड़ा से, जहां 18 मई को बंद का ऐलान नक्सलियों ने कर दिया है। बंद का ऐलान नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी करके किया है, साथ ही पुलिस पर फर्जी मुठभेड़ करने का आरोप लगाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दंतेवाड़ा से, जहां नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी करके बंद का ऐलान किया है। आपको बता दें 18 मई को बंद का ऐलान नक्सलियों ने किया है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पंकज सिंह भदौरिया फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, नक्सलियों ने 18 तारीख को बंद का ऐलान किया है, फर्जी मुठभेड़ बता रहे हैं, क्या कुछ जानकारी मिल रही है पंकज? बिल्कुल, मैं बता दूं कि नक्सली जब जब भी इस तरीके का बंद करते हैं तो पुलिस पर आरोप लगाते रहते हैं। अभी हाल में दो तीन मुठभेड़ हुई है जिन पर ये प्रेस नोट जारी हुआ है कि पुलिस फर्जी मुठभेड़ करती है। साथ में नक्सलियों ने जो प्रेस नोट जारी किया है उस पर उन्होंने 6 कड़िका पर अपने मतलब वो लिखे हैं बात की, जो पुलिस कैंप खोल रही है किरंदुल इलाके में 4 कैंप, कटे कल्याण इलाके में 2 कैंप, उनको ना खोला जाए, बैलाडीला के खदान का विस्तारीकरण ना किया जाए, अंदर में सड़कें ना बनाई जाए, इस तरीके की उनकी मांगे हैं। इन मांगों को लेकर के उन्होंने 18 तारीख को बंद किया है। इसी बंद के चलते हुए किरंदुल से विशाखापट्टनम जाने वाली जो ट्रेन है उसको भी रद्द किया गया है, और साथ में 2 दिन ये ट्रेन बंद रहेगी पैसेंजर एक्सप्रेस, लेकिन जो मालगाड़ियां हैं वो अपनी नियत समझ से चलेंगी। जब इस तरीके का यहाँ पर मतलब बंद का ऐलान होता है नक्सलियों का, थोड़ा सा माहौल में थोड़ा सा बदलाव आता है, और जो ट्रेन जो बसें हैं अंदर के इलाकों में चलती हैं उन पर इसका अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। जी, प्रशासन ने इस बंद से निपटने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए हैं पंकज? जब जब बंद का कोई नक्सली ऐलान करते हैं तो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाती है, अंदर के इलाकों में गश्त बढ़ती है, लेकिन फिर भी जो इन इलाकों में जो बसें चलती हैं अंदरूनी इलाकों में, बस के निजी मालिक संचालक खुद ही अपनी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए उस दिन के लिए उस बंद को मानते हुए या नक्सली का प्रमाण की वजह इलाकों में नहीं चलाते हैं, क्योंकि जब अक्सर उनके बंद पर गाड़ियां फंसती हैं और यदि नक्सली कहीं पर मिल जाते हैं सड़क पर तो या तो वो आगजनी कर देंगे या तो फिर मतलब उन गाड़ियों को वहां से बैक कर देंगे। जी, शुक्रिया पंकज जानकारी के लिए।